जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच के 7 दिनों के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे हर लिहाज से आपके लिए 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से तीज त्यौहार है, कौन कौन से बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। मैं आपको एक खास जानकारी दे दूँ कि दोस्तों जब भी ये गोचर होंगे, जो भी हमारे इस सप्ताह के बीच में आएंगे, तो उससे पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी वीडियो, जिसके द्वारा हम आपको ये जानकारी देंगे कि उस गोचर से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ अपडेटेड रहिए, आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी अक्टूबर माह में ही नवरात्रि है, तो हम आपके लिए बहुत ही जल्द नवरात्रि से रिलेटेड वीडियोज भी लेकर आने वाले हैं, बहुत सारी खास बातें करेंगे हम नवरात्रि बहुत ही, और कह सकते हैं तीज त्यौहार की पूरी जो है शुरुआत हो चुकी है, नवरात्रि, दिवाली, छठ पूजा, बहुत सारी चीजें अभी होने वाली हैं। तो हमारे साथ अपडेटेड रहिएगा, हम आपको ज्योतिष के अनुसार बताते रहेंगे कि हर राशि वालों को क्या क्या उपाय करने हैं। फिलहाल जानते हैं इस राशि जो है इस राशिफल की वीडियो में कि कौन कौन से तीज त्यौहार इस सप्ताह होंगे। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर शनिवार को इंद्र एकादशी है और साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है, तो ये एक आपको बीच में इस 7 दिन के बीच में आपको ये 2 चीजें मिलेंगी। बाकी गोचर की बात कर ली जाए तो 2 बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है, जी हाँ, बुध का और शुक्र का। बुध जो है 2 बार गोचर करेंगे इस पूरे 7 दिन में, जी हाँ, 27 सितंबर को पहला गोचर होगा, यानी सप्ताह की शुरुआत में ही वक्री बुध का तुला में गोचर होगा। जी हाँ, बुध वक्री चाल चल रहे हैं तो तुला राशि में गोचर करेंगे 27 सितंबर को। 2 अक्टूबर को शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर होगा और फिर 2 अक्टूबर को एक और गोचर है, जी हाँ, बुध जो है वक्री बुध कन्या में चले आएंगे, तुला से कन्या में चले आएंगे। तो इसी 7 दिनों के बीच में 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं बुध ग्रह, बहुत ही ये खास सप्ताह कह सकते हैं। और ये कैसे होगा ये आगे आपको हम राशिफल के माध्यम से बताएंगे, कौन कौन से आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं, पारिवारिक, वैवाहिक, प्रेम, स्वास्थ्य, आर्थिक, हर तरीके से क्या महा उपाय करना है आपको इस सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए, वो भी आपको जानकारी देंगे। और बाकी ये जो 3 गोचर हैं इनसे रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वहां से देख सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं। बाकी अगर इंस्टाग्राम पे है तो हमें वहां भी फटाफट फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां भी आपको अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। और बाकी जीवन में अगर कोई समस्या आती है, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया हुआ है, वहां कभी भी क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो एस्ट्रोसेज वार्ता पर आप अपनी निजी समस्याओं का समाधान पाइए, और बाकी वीडियो के माध्यम से जो भी आपको जानकारी चाहिए ज्योतिष के बारे में या कोई जेनरिक आपका सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिले, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, उस वीडियो में मैं आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब देती हूँ। तो अब जानते हैं कि ये सप्ताह जो है कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। चंद्र राशि पर आधारित है आपका ये राशिफल, यानी मून साइन बेस्ड है। जिन लोगों को बहुत डिटेल्स जिनके पास नहीं है वो अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। इस सप्ताह आपको अपने खान पान को लेकर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय आपके छठे भाव में सूर्य और मंगल युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं और जितना संभव हो बाहर के खाने से परहेज करें। इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज्यादा खोलकर खर्च करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी भरा कार्य होता है। इसी बात को समझे और ऐसा करने से बचे, तभी आप अपने धन को संचय कर सकेंगे। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। ये सप्ताह करियर के लिहाज से शुभ रहेगा, क्योंकि इस राशि के जातक को कई विदेश यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिलेंगे। इस समय आपके अष्टम भाव में केतु अपने वृश्चिक राशि में उच्च होकर बैठे हैं, इसीलिए अच्छी चीजें होंगी जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। अगर आप विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे थे तो इस सप्ताह ग्रहों नक्षत्रों की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान आप और अधिक सतर्कता के साथ अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। लवर्स की बात कर लें तो आज जो है आपको इस सप्ताह अपने दोस्तों के लिए जरूरत से ज्यादा आप करते दिखाई देंगे। अपने दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा समय ध्यान व्यर्थ करना आपके प्रेमी को खल सकता है। इस मामले में थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, रिश्ता खराब हो सकता है। इस सप्ताह आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य छठे भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं, इस कारण जीवन साथी के अलावा किसी अन्य विपरीत लिंगी का आपसे जरूरत से ज्यादा बात करना जीवन साथी को खल सकता है। इसके साथ ही यदि उस व्यक्ति को आप अपने ऊपर असर डालने का मौका दे रहे हैं तो जीवन साथी की ओर से आपको सख्त और नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलना संभव है, इसीलिए कुछ भी ऐसा करने से बचिए। महा उपाय क्या है इस सप्ताह के लिए, हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आगे बढ़ते हैं वृषभ वालों की बात करेंगे।
माता पिता का खराब स्वास्थ्य इस सप्ताह आपकी चिंताओं का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में खुद को हर प्रकार की चिंता से मुक्त रखने के लिए और अपनी आत्म शांति के लिए किसी प्रकार की गतिविधि में समय व्यतीत करें। इस सप्ताह वैवाहिक जातकों को अपने ससुराल पक्ष के आर्थिक लाभ हो सकेगा, क्योंकि इस समय आपके सप्तम भाव में केतु अपनी वृश्चिक राशि में उच्च होकर बैठे हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही कई प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको निजात मिल सकेगी। ऐसे में इस धन को सही जगह पर निवेश करते हुए आपको सोचने का समय लेने की सलाह दूंगी मैं, नहीं तो आप खुद को हानि पहुंचा सकते हैं। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से किसी जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद था तो वो इस सप्ताह जो है आपको मिल जाएगा, जिससे पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर रहेगी। ऐसे में आप सपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान कर सकते हैं। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और आपके बॉस गुस्से के मूड में होंगे, जिसके चलते हर काम में कमी ढूंढते दिखाई देंगे, इससे आपका मनोबल टूट सकता है। साथ ही आपको कई बार दूसरे सहकर्मियों के बीच अपनी बेइज्जती भी महसूस हो। ये समय खासतौर से छात्राओं के लिए बहुत अनुकूल सिद्ध होगा। इस दौरान उन्हें जो है अपनी किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। उनके अभिभावक पर जो है उन पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही उच्च शिक्षा में सही करियर विकल्प चुनने में आ रही मुश्किलें भी इस दौरान दूर हो जाएंगी। जो लवर्स हैं, प्रेम जीवन खुशनुमा रहेगा। इस सप्ताह लव मेट के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाते नजर आएंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में सूर्य और मंगल कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। जो इस राशि के मैरिड लोग हैं, यह सप्ताह जो है सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस पूरे सप्ताह के दौरान आपके और जीवन साथी के बीच किसी तरह की कोई उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगी, जिसके कारण आप जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। अब बात करें उपाय की, तो महा उपाय है कि गरीबों को दान दें और मंदिर में खीर का भोग लगाएं। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। यदि आप एसिडिटी, अपच और गठिया जैसे रोग से परेशान थे, तो इस सप्ताह आपको इन रोगों से कुछ राहत मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि आपके छठे भाव में केतु वृश्चिक राशि में उच्च के होकर बैठे हैं। हालांकि बावजूद इसके आपको समय समय पर होने वाली सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं से अपना बचाव करने की सलाह दूंगी। ये सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह कई ग्रहों का गोचर होने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां लौट आएंगी। हालांकि उससे पहले आपके परिवार में वृद्धि होने की भी संभावना है, क्योंकि इस समय आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में विराजमान है। यह वृद्धि किसी व्यक्ति के विवाह या किसी शिशु के जन्म के कारण संभव है। ऐसे में इन खुशियों को परिवार के साथ मिलकर मनाएं। निजी जीवन में दूसरों के साथ चल रही अनबन आपको परेशान करेगी, इससे अपने आप कार्यस्थल पर दूसरे लोगों पर विश्वास करने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। इस सप्ताह बुद्धि की देवता कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव में के स्वामी शनि अपने द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। लवर्स की बात कर ली तो इस समय काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपनी तुला राशि में विराजमान होकर बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। इससे आपके प्रेम जीवन में खुशियों की बयार बहेगी, क्योंकि ग्रहों के इस दौरान शुभ स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए एक आदर्श स्थिति कही जा सकती है। मैरिड लोगों की बात की जाए तो शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहेंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। आपको जीवन साथी के साथ अपने प्रेम की गहराई का अनुभव होगा। महा उपाय क्या करना है, पानी में कच्चा हल्दी डालकर स्नान करें और माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना करें। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी। इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी गुरु जो है सप्तम भाव में विराजमान होकर शनि के साथ अपनी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना है, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस सप्ताह आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा। निवेश में लगाने का भी आप उस धन को फैसला ले सकते हैं, लेकिन योग बन रहे हैं कि इस दौरान आपका लंबे अरसे को मध्य में नजर रखते हुए किसी भी निवेश को करना भविष्य में आपको शुभ फल देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आपको जो है संभव है कि पारिवारिक जीवन में सामान्य फल की प्राप्ति हो, क्योंकि आप इस समय परिवार के छोटे सदस्यों के लिए जो है कुछ खास लेकर जाइए, जिससे खुश कीजिए उनको, आपको भी खुशी की अनुभूति होगी। कारोबारियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। करियर में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की समय आपको जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो समय अनुकूल है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए अनुकूल फल जो है प्राप्त कर सकते हैं, तो सतर्क रहिए। लवर्स जो है, पार्टनर के प्रति मन में शक हो सकता है, कुछ निराशा हाथ लगने की भी आशंका दिख रही है, क्योंकि इस समय आपके सप्तम भाव में शनि और गुरु दोनों ही अपनी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय बाद आप पाएंगे कि ये शक बेवजह था।
हालांकि आपको करना क्या है कि शुरू में ही इस नतीजे पर, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर फैक्ट्स की अच्छे से जांच कीजिए। मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन साथी की किसी बुरी आदत से परेशान होकर आप उन पर गुस्सा करते दिखाई देंगे। तनाव जो है आपके रिश्ते में इस सप्ताह ज्यादा रहेगा। किसी भी आदत में बदलाव करवाना चाहते हैं तो प्यार से बात कीजिए। उपाय के तौर पर काले तिल और गुड़ चींटियों को खिलाइए। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों और परिवार के साथ कुछ खुशी के पल बिताने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपके द्वितीय भाव में मंगल और सूर्य गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इस सप्ताह जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसीलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों को सुधारिए। इस सप्ताह सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने परिवार की जरूरतों पर ध्यान देना आपके लिए आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस जो जॉब करते हैं उनकी बात की जाए तो विचारों का आदान प्रदान करना चाहेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। आपको खुद को आप बहुत ही अकेला पाएंगे। आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। आईटी इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छा फल पाएंगे। आपको अच्छे अंक पाने के लिए अपनी जो है अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। जो इस राशि के लवर्स हैं आपके ऊपर कार्य क्षेत्र की जो है अतिरिक्त जिम्मेदारियों का भार आपको तनाव दे सकता है, जिसे दूर करने के लिए आप अपने लव पार्टनर के साथ समय बिताते हुए आप अच्छा जो है फील करेंगे, तो उनके साथ टाइम बिताइए, आपके तनाव दूर होंगे। वहीं जो मैरिड लोग हैं, जीवन साथी और आपकी माँ के बीच या आपके पेरेंट्स के बीच अगर कोई विवाद चल रहा था तो उसका अंत हो जाएगा। पूरा सम्मान देगा आपका पार्टनर आपके माता पिता को और एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। शादीशुदा जीवन सकारात्मक रूप से बेहतर होने में मदद मिलेगी आपको इससे। साथ ही आपके क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि अपनी द्वादश भाव में गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। क्या महा उपाय है, माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही कोई कार्य जो है शुरू कीजिए। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं कि बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है। फैसला लेने के लिए स्पष्ट सोच आपको बस उसकी जरूरत है, तो स्पष्ट सोच तभी आएगा जब स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। हेल्थ को ठीक कीजिए। लालच मत कीजिए इस सप्ताह। कोई व्यक्ति आपको गैर कानूनी कार्य करने के लिए पैसों का लालच देगा, लालच की पट्टी जो है आंखों पर बंध जाएगी, जिससे आप खुद को बड़ी समस्या में फंसा बैठेंगे, तो ऐसा करने से बचना है। फैमिली में आपके जो है परिवार के बीच में नोकझोंक चलना लाजमी है। इस सप्ताह आपके और परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। मानसिक शांति को भंग ना होने दे, हर समस्या का हल खोजने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपके लग्न भाव में सूर्य और मंगल गोचर कर रहे हैं, जिससे आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे। इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में जो छात्र हैं ध्यान लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस समय शिक्षा भाव यानी पंचम भाव में शनि और गुरु अपनी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसीलिए आपको सलाह दूंगी कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग का सहारा लीजिए। शांत दिमाग के साथ आप हर समस्या का समाधान खोजने में खुद को सक्षम पाएंगे, तो शांत रहिए ज्यादा से ज्यादा। लवर्स जो है इस सप्ताह काफी अच्छा रहेगा टाइम आपके लिए, क्योंकि इस समय शनि अपनी जो है मकर राशि में विराजमान होकर अपनी दूसरी राशि यानी कुंभ पर दृष्टि डाल रहे हैं, और इससे आपके प्रेम जीवन में खुशियों की बयार बहेगी, क्योंकि ग्रहों की इस दौरान शुभ स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए एक आदर्श स्थिति कही जा सकती है। जो मैरिड लोग हैं जीवन साथी के साथ जो है रूमानी पहलू को भरपूर तरीके से सप्ताह दिखाएगा। साथी के साथ जरूरत से ज्यादा समय व्यतीत करने और समझने का प्रयास करें। महा उपाय क्या है कि पानी में कच्चा दूध डालकर शिवलिंग पर चढ़ाइए और सफेद चंदन का टीका लगाइए, ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। अब बारी तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी जरूरत से ज्यादा और बार बार खाने की आदत आपको कुछ समस्या दे सकती है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द अपनी इस आदत में सुधार कर उसमें सही बदलाव लेकर आए। इस सप्ताह आपके लगन में शुक्र और अपनी तुला राशि में विराजमान होकर वक्री बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके अंदर क्रिएटिव विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसे तसल्ली बख्श जो है आराम से पढ़ लीजिए, ये मैं आपको सलाह दूंगी। रिश्तेदारों से किसी जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद था तो वो आपके हक में रहेगा। पारिवारिक माहौल में इससे खुशी आएगी, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में केतु वृश्चिक राशि में उच्च के होकर बैठे हैं और आपके द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में सब परिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर जो है आप पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान तो आप करना चाहेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। अब छात्रों की बात करें तो शिक्षा में भाग्य का सैनिक मिलेगा और
शिक्षक भी आपके जो है आपको सहयोग करते नजर आएंगे, क्योंकि इस समय भाग्य स्थान में चंद्रमा विराजमान है। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरे सप्ताह की तुलना में ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दौरान हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे। अब बात करें लवर्स की, तो किसी न किसी कारणवश योग बन रहे कि आपका प्रिय कुछ परेशान रहेगा। सलाह आपके लिए यही है कि उनकी नाराजगी के बावजूद अपने प्रयास जारी रखते हुए अपना प्यार जो है जाहिर करते रहें, इससे उनका गुस्सा जो है जल्दी शांत हो जाएगा। मैरिड लोग जो हैं, आज आपके लिए यही सलाह है कि विपरीत परिस्थितियों में जीवन साथी के सामने चुप रहना व्यक्ति की समझदारी होती है। इस बात पर आपको इस सप्ताह अमल करने की जरूरत है, क्योंकि योग बन रहे हैं इस दौरान जीवन साथी का मन खिन्न हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल सूर्य के साथ गोचर करते हुए द्वादश भाव में विराजमान है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि विवाद ज्यादा ना बढ़े तो चुप रहना ही उचित रहेगा। महा उपाय कर लीजिएगा जो मैं आप बताने वाली हूँ। तो महा उपाय है तुला वालों के लिए कि हरी मूंग का दान करें और माँ दुर्गा की भक्ति करें। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आपकी और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या गलत, ये बात सिर्फ आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने, सही फैसले को लेते समय अपने दिमाग शांत रखें। इस सप्ताह संभव है कि किसी पूर्व के निवेश से आपको अच्छा खासा धन लाभ हो, क्योंकि इस समय आपके एकादश भाव में मंगल और सूर्य गोचर कर रहे हैं। इस कारण आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा करते हुए उन्हें कोई पार्टी देने का भी प्लान कर सकते हैं, जिस पर आपको उम्मीद से जो है ज्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा। ऐसे में कुछ भी खर्चा करते समय एक बार पुनः विचार जरूर कर लीजिए। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान करेंगे, इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर भी मिलेगा। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी, तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय अगर है तो सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में सफलता मिल सकेगी, क्योंकि इस समय आपके कर्म भाव का स्वामी सूर्य इनकम भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएगी, जिससे आप इस पूरे ही सप्ताह अच्छे नतीजे आपको मिलते रहेंगे। जो लवर्स हैं, आपके लिए समय अच्छा है। इस समय आपके प्रेम जीवन में पुनः खुशियां लौटते दिख रही हैं। वहीं जो मैरिड लोग हैं, इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी से बेवजह की बातों पर छोटा मोटा झगड़ा तो करेंगे, लेकिन शाम होते होते आपको अपनी गलती का एहसास होगा, जिससे आप माफी भी मांग लेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव पर मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर ही पड़ रही है। उपाय के तौर पर क्या करना है, किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र या खाद्य पदार्थ दान में दीजिए। अब बारी धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह संभव है कि आपको स्वास्थ्य कष्ट के कारण कुछ समस्या हो। ऐसे में हमेशा की तरह हर बीमारी का घर पर ही उपचार करने से बचें और भूल से भी घरेलू नुस्खे अपनाकर समय की बर्बादी ना करें। नहीं इलाज मिलेगा सही तो समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि इस समय आपके छठे भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ये सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको जरूरत से ज्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना होगा, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी भी हो सकती है। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में गुरु और शनि अपनी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय सदस्यों से बातचीत जरूर कर ले घर के, उनके विचारों को जरूरी महत्व दे। इस सप्ताह वो जातक जो पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें अपने घर के बड़ों का सहयोग मिलेगा, जिससे आप बेहतर कर सकेंगे, नए ग्राहक स्रोत स्थापित करने में सफल रहेंगे। छात्रों की बात कर ली जाए तो उनके व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों को अपने गुरुजनों के साथ उनकी बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत है, नहीं तो दूसरे शिक्षकों और अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव पर बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। लवर्स की बात की जाए तो सिंगल जातकों को इस सप्ताह किसी भी खास व्यक्ति के प्रति अपने दिल की भावनाओं को लेकर हर किसी से बात करने से बचना होगा, नहीं तो संभव है कि आप अपना दोस्त समझकर जिससे दिल की बात साझा कर रहे हैं वो आपको धोखा देते हुए आपका खेल खराब कर दे। इस सप्ताह आपके सप्तम भाव पर चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ प्रतिकूल फलों की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि संभव है कि जीवन साथी के साथ किसी बड़ी और गर्मा गर्म बहस के बाद आपका मन करे कि आप अपना सर फोड़ लें या घर से कहीं दूर भाग जाए, लेकिन ये समझना होगा कि खराब परिस्थितियों से भागना उसका हल नहीं होता। महा उपाय क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, प्रॉब्लम्स दूर होंगी। अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस हफ्ते आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगे, क्योंकि इस समय आपके लगन भाव में शनि और गुरु अपनी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि मौसम परिवर्तन की वजह से छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं।
आपको, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी क्योंकि आपके छठे भाव में चंद्रमा विराजमान है। इस राशि के कारोबारी सप्ताह निवेश करने के बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन आपको यही सलाह दूंगी कि कोई भी जोखिम भरा काम या गैर कानूनी निवेश ना करें, नहीं तो आप खुद को किसी बड़े पचड़े में फंसा देंगे। साथ ही पार्टनरशिप में बिजनेस है तो इस समय अच्छा धन लाभ होने की संभावना बनते दिखाई दे रही है क्योंकि आपके आय भाव में केतु अपने उच्च राशि में विराजमान होकर बैठे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत से अंत तक आप अपने उत्तम पारिवारिक जीवन का आनंद उठाएंगे, इससे आपको सुख शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने में मदद मिलेगा। घर के छोटे सदस्य आपसे प्रभावित होंगे, साथ ही बड़े सदस्यों के बीच आप इस समय अपनी बेहतर छवि स्थापित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको काफी हद तक अपने मानसिक तनाव से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकेगा। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी आपके भोलेपन का फायदा उठा सकती है क्योंकि आशंका है कि आप किसी महिला के साथ अपने मन की बातें या अपने करियर को लेकर कुछ योजनाएं साझा करें और वो उन बातों को खुद तक ना रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को बता दे जिससे आपको परेशानी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि इस दौरान आपको अपनी पूर्व की मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। लव लाइफ की बात की जाए तो प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप प्रेम विवाह कर सकते हैं और आपका विवाह कुंडली में अनुकूल स्थिति होने पर परिवार वालों की रजामंदी से आपके मनचाहे व्यक्ति से आपका विवाह हो सकता है, जिससे आप काफी खुश होंगे। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु वृषभ राशि में उच्च के होकर बैठे हैं और केतु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। वैवाहिक जातकों के लिए सप्ताह सामान्य से उत्तम रहेगा क्योंकि आपके सप्तम भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत कहा सुनी जीवन साथी के साथ संभव है, लेकिन कई शुभ ग्रहों की दृष्टि आपकी इस कहा सुनी में भी रस घोलने का कार्य करेगी। क्या महा उपाय है? शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव जी की आराधना करें। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। यदि आप चाय कॉफी के शौकीन हैं तो इसका सेवन ज्यादा मत कीजिएगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम होने वाली है। दिल के मरीज हैं तो थोड़ा सा और ध्यान रखिए, नहीं पुरानी कोई बीमारी है तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, ऐसी संभावना है। ये सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी नजर आएंगे। आपको जरूरत से ज्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना होगा, जिसके कारण बीच बीच में कुछ आर्थिक जो है तंगी हो सकती है। ये सप्ताह आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह निजात मिल सकेगी क्योंकि आपके द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जिससे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण देखा जाएगा। यदि आपके पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट था तो उसमें भी सुधार होने के योग बनेंगे क्योंकि आपके दशम भाव में केतु अपनी उच्च राशि वृश्चिक में विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप आपको उनके साथ समय व्यतीत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यदि आप रुके हुए अपने कार्यों को शुरू करने का सोच रहे थे तो उसके लिए भी ये सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है क्योंकि आपको इस सप्ताह भी पूर्व के पड़े अधूरे कार्यों को पुनः शुरू करने में कठिनाइयां आ सकती हैं, जिससे आपका मनोबल तो प्रभावित होगा ही, साथ ही आपके करियर की गति भी धीमी होने के योग बन सकते हैं। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके अलावा जो है आप इसके लिए इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, ये नहीं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। जो लवर्स इस राशि के, हर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हुए अपनी पर्सनल बातें उनको मत बताइए। इस सप्ताह आप कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है आपको, कोई आपको दूसरा जो है गलत मार्गदर्शन देगा जिससे आप भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य मंगल के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे प्रेमी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होने की जगह और तनावपूर्ण हो सकते हैं। आशंका है कि जीवन साथी खुद को सर्वोपरि रखते हुए किसी अन्य के प्रभाव में आकर आपसे किसी बात को लेकर झगड़ा कर सकता है, समझदारी दिखाइए। बाकी महा उपाय क्या करना है? भैरव जी की उपासना करें और भैरव मंदिर में काली वस्तु का दान करें। अब बारी सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। तो सप्ताह आपको अनुभव होगा कि आसपास के लोग आपसे अधिक मांग और अपेक्षा रख रहे हैं, ऐसे में आप उनकी हर मांग को पूरा करने के लिए खुद पर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा किसी से भी वादा ना करें, केवल दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बेकार के तनाव से मत थकाइए। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आप अपने लिए कोई जरूरी चीजें खरीद सकते हैं, सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके अत्यधिक भावनात्मक स्वभाव के कारण आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे क्योंकि इस समय चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस कारण आपका परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद संभव है। ऐसे में आसपास के लोगों से झगड़ा ना करना ही आपके लिए उचित रहेगा, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। इस पूरे ही सप्ताह आप ज्यादा जिम्मेदार केंद्रित संगठित ढंग से कार्य क्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका मिल सकता है क्योंकि आपके अष्टम भाव में बुध अपनी वक्री स्थिति में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह सभी छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी है
उसकी एक सूची बनाने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद होने से बचा सकेंगे, जिससे आपको आगे चलकर सुखद समाचार मिलने और अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। लवर्स की बात की जाए तो आपकी राशि के प्रेमी स्वभाव से ही भावुक और केयर करने वाले होते हैं, यही वजह है कि एक सफल प्रेमी बन सकते हैं आप। ऐसा ही कुछ सप्ताह प्रेमी जातकों को अपने प्रेमी से सुनने को मिलेगा। इस दौरान वो जो है आपकी आप जो उनकी देखभाल करते दिखाई देंगे। अपने जीवन साथी के साथ अच्छे व्यवहार के चलते इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि असली प्रेम साथी की आंखों में है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में सूर्य और मंगल गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपका रुझान उनकी ओर अधिक आकर्षित प्रतीत होगा। महा उपाय क्या करना है, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना करें और चांदी के ग्लास में पानी पिए। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि ये सप्ताह जो है 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच के 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए, कौन कौन से तीज त्यौहार हैं, कौन कौन से ग्रहों का गोचर है, हमने आपको तमाम जानकारियां दी हैं। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। ग्रहों का गोचर जो है उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, साथ ही जो तीज त्यौहार हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो कॉमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी दूंगी। ये जो हम वीडियोस डालते हैं, अगर आप इसके अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी जिन लोगों का इस सप्ताह में जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.